हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वेलकम करता हूं टेक इन्फो EDU में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मेट 8 के कुछ फीचर्स और फंक्शंस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 सालों के दौरान चीनी मोबाइल कंपनियां दुनिया भर की मोबाइल फ़ोन मार्केट में तेज़ी से जगह बना रही हैं। इसी वजह से गूगल ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुआवे के साथ मिलकर अपना फ्लैगशिप नेक्सस 6P बनाया। नेक्सस 6P की वजह से हुआवे के फैन क्लब में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। नेक्सस 6P के बाद हुआवे ने 6-इंच डिस्प्ले और फुल मेटल बॉडी फ्लैगशिप हुआवे मेट 8 को चीन में नवंबर और अमेरिका में CES 2016 के मौका पर मुतारिफ कराया। बात करते हैं अगर डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो मेट 8 दूसरे मेट स्मार्टफोन्स की तरह बड़ी डिवाइस है। हुआवे की खसूसियत है कि वो बड़े डिस्प्ले को छोटी बॉडी में समो सकता है। मेट 8 में ऐसा ही है। 6-इंच फुल HD डिस्प्ले के हामिल इस डुअल सिम डिवाइस के फ्रंट का 83% हिस्सा सिर्फ डिस्प्ले पर मुश्तमिल है। इस फुल HD डिवाइस में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है NEO, न्यू। इससे डिवाइस के HD रेजोल्यूशन ना होने की खामियां दूर हो जाती हैं। फिर भी मेट 8 मार्केट में सबसे बेहतरीन 1080 पिक्सल डिस्प्ले डिवाइस है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 4 इस्तेमाल किया गया है। हुआवे के पिछले फोन्स का डिस्प्ले सूरज की रोशनी में अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था, मगर मेट 8 ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। ब्राइटनेस को फुल और ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके डिस्प्ले को धूप में भी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। 7.9 mm मोटी ये मेटल बॉडी डिवाइस अगरचे मार्केट की सबसे ज़्यादा स्लिम डिवाइस नहीं है, मगर अपने खमदार रेयर और डायमंड कट एज की वजह से हाथ में पकड़े हुए और भी ज़्यादा स्लिम महसूस होती है। हुआवे मेट 8 के रेयर कैमरे के बिल्कुल नीचे हमको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जबकि स्पीकरों को डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे फिट किया गया, मतलब फ्रंट साइड। और हुआवे मेट 8 का वज़न है 185 ग्राम। इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल हुआ है, ये हुआवे की पहली डिवाइस है जिसमें कंपनी ने अपना बनाया हुआ कैरेन 950 चिपसेट इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर क्वाड कोर 2.3 GHz कॉर्टेक्स A72 और क्वाड कोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53 इस्तेमाल किया गया है। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो हुआवे मेट 8 की रैम 3GB और 4GB है। ये डिवाइस 64 और 32 GB स्टोरेज मॉडल में दस्तयाब होगी। डिवाइस में माइक्रो SD कार्ड की सहूलत भी दी गई है, जिससे स्टोरेज में मज़ीद 128 GB तक इजाफा किया जा सकता है। बात करते हैं कैमरे की, तो डिवाइस का मेन कैमरा सोनी सेंसर 16 MP का है, जो कि रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीर बनाता है। इसके अलावा दूसरे फीचर्स में 0.1 सेकेंड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस शामिल है। रियर कैमरा 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। हुआवे मेट 8 का फ्रंट कैमरा 8 MP है, जो वाइड एंगल सेल्फी लेने के साथ साथ 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। डिवाइस के रियर कैमरे से बिल्कुल नीचे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है वो है हुआवे मेट 8 6.0 एंड्रॉयड मार्शमेलो, जिसके साथ हुआवे की अपनी स्किन 4.0 UI भी नज़र आएगी। बैटरी की बात करते हैं तो आईफोन रखने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल इसकी बैटरी टाइमिंग है। बैटरी टाइमिंग से परेशान सार्फिन के लिए हुआवे मेट 8 बेहतरीन स्मार्टफोन है। हुआवे मेट 8 में कंपनी ने बैटरी की कम टाइमिंग के मसले को भी काफ़ी हद तक हल कर लिया। कंपनी ने मेट 8 में 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी शामिल की है, जो स्मार्टफोन की बैटरी टाइमिंग को बहुत हद तक बढ़ा देती है। इस फोन को एक दफ़ा मुकम्मल चार्जिंग करने के बाद 2 दिन तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेट 8 को 30 मिनट तक चार्ज करके पूरा दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट 8 को मुकम्मल चार्ज होने में 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मेट 7 को मुकम्मल तौर पर चार्ज होने में 3.5 घंटे लगते थे।
हुआवे का दावा है कि फोन को मुकम्मल चार्ज करने के बाद इस पर 17 घंटे तक HD वीडियो देखी जा सकती है या 20 घंटे तक नेट ब्राउजिंग की जा सकती है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के लिए इस डिवाइस में डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ 4.2 LE, NFC, GPS, AGPS, ग्लोनेस, कंपास और माइक्रो USB भी हैं। अगरचे 2016 के शुरू में मुतारिफ कराई गई ये डिवाइस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होनी चाहिए थी, मगर फिर भी हुआवे मेट 8 अपनी बेहतरीन बैटरी लाइफ और आला कारकर्दगी, सुपर फास्ट चार्जिंग, शानदार डिजाइनिंग और बेहतरीन क्वालिटी के बायस जबरदस्त डिवाइस है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।